दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के स्नेक रेस्क्यूअर हरियाणा में। तो हमें कॉल आया था पुलिस लाइन से, जहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक शीशा है, शीशे के पीछे एक सांप देखा गया है। देखते हैं दोस्तों, ये शीशे के पीछे कौन सा सांप है। जैसा कि आप देख सकते हैं जी, शाम हो चुकी है, थोड़ा अंधेरा है, इस कारण सांप को पहचानने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों, वैसे हमें पहचान में आ चुका है थोड़ा। ये एक रेड स्नेक है। दोस्तों, अंधेरे के कारण थोड़ा साफ, जब तक पहचान में ना आए सांप, तो उसे एकदम से हाथ नहीं डालना चाहिए उसके ऊपर। तो इसलिए पूरी तरह इसकी पहचान करने के बाद ही हम इसे रेस्क्यू करते हैं या पकड़ते हैं। तो दोस्तों, हमने देख चुके हैं हम, ये एक रेड स्नेक है सांप। तो दोस्तों, हमने ग्लव्स उतार दिया था क्योंकि ये बाइट तो करता है, लेकिन बहुत ही शांत सांप होता है ये। लेकिन दोस्तों, हमने ग्लव्स उतार कर पकड़ने की जब इसको कोशिश की, तो ये बहुत ही आक्रामक निकला और ये एकदम बाइट करने की कोशिश की इसने, जिससे हमें अंदाज़ा हो गया था इसका कि इसके लक्षण ठीक नहीं हैं, जो कि एक बाइट करेगा ही करेगा। इसलिए हमें दोबारा ग्लव्स डालने पड़ गए अपने हाथों में। दोस्तों, बहुत ही फुर्तीला होता है ये रेड स्नेक, और लंबाई में भी 7 से 8 फुट के हो जाते हैं, और जो पहाड़ी इलाके में होते हैं वो इससे भी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो दोस्तों, देखिए हमने पकड़ लिया है, और इसे देखिए कितना फुर्तीला है और कितना गुस्सेल है सांप। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, आक्रामक है ये, और बार बार हमें काटने की कोशिश करता है ये सांप। तो दोस्तों, ये बार बार हमें काटने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही आक्रामक है, गुस्से में है बहुत ज़्यादा ही। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा बाइट करता है फेस के ऊपर, मुंह के ऊपर, कभी आँख के अंदर भी बाइट कर देता है गलती से ये। लेकिन फेस के ऊपर बाइट करने से इसके कई बार गलती से आँख में भी बाइट हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही फुर्तीला सांप होता है ये, और इसकी देख सकते हैं आप लंबाई। ये भी कलर कई में पाया जाता है, ब्लैक कलर भी में भी होता है, पीले कलर में भी होता है, और दोनों मिक्स कलर में भी होता है। और जब छोटे होते हैं कलर कुछ और होता है, बड़े होने के बाद कलर कुछ और हो जाता है इनका। तो इसलिए सांपों की दोस्तों पहचान ज़रूरी है, सभी को सांपों की पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सा सांप है। इससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ जहर वाला है, बिना जहर वाला सांप है ये। देखिए दोस्तों, अभी ये शांत नहीं हुआ है, हमें शांत करना पड़ेगा अभी। ये थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। गुस्से इस कारण है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसी कारण ये ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, और सर्दियों में शांत हो जाते हैं ये। ये देखिए दोस्तों, कितना फुर्तीला सांप है ये देखिए, बहुत ही फुर्तीला सांप है ये। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं इसे शांत करने की कोशिश। दोस्तों, ये है पुलिस लाइन अंबाला शहर, जहाँ से हमने सांप आज पकड़ा है। तो दोस्तों, हमने कर दिया है इसे शांत, अब थोड़ा शांत हो चुका है ये। प्लास्टिक का डब्बा,
दोस्तों हमें इनकी ट्रिक पता होती है कि कैसे ये शांत होते हैं और कैसे इन्हें रेस्क्यू करना चाहिए और कैसे इनसे अपना बचाव करना चाहिए। तो दोस्तों तभी हम इन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं जब हमें इनकी पहचान हो और इनके बारे में पूरी ही जानकारी हो हमें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हो चुका है बिल्कुल शांत। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसे करेंगे डिब्बे में पैक। ये देखिए दोस्तों इसका कंटेनर आ चुका है हमारे पास। देखिए दोस्तों बने रही है हमारी वीडियो में। इसके ढक्कन में छेद करने के लिए भेजा है हमें, क्योंकि सांस लेने के लिए इन्हें जगह चाहिए होती है। अभी ढक्कन में छेद हो चुका है और इसे हमने कर दिया इस डिब्बे में पैक। ये देखिए दोस्तों ये हो चुका है पैक और इसे अब करेंगे जंगल में बेच।